ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अब नहीं झेलनी पड़ेगी किसी भी तरह की परेशानी, जिसको लेकर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसके तहत छात्रों की परेशानी का समाधान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। सोमवार से 2 काउंटर बनेगा अलग अलग पीजी के लिए, यूजी के लिए, और उनके आवेदन लिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि छात्र आवेदन दे करके चले जाते हैं, एक बार दो बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। होता यह है कि उसमें 50% ऐसे भी आवेदन रहते हैं जो आधे अधूरे रहते हैं, किसी में एडमिट कार्ड नहीं है तो किसी में कुछ नहीं है। तो अब ऐसे के लिए ये दोनों जो हमारे उप परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर नवीन कुमार, मनोज कुमार, वो खुद स्वयं छात्रों का आवेदन लेंगे और आवेदन लेते समय ही सुनिश्चित करेंगे कि ये पूर्ण है या नहीं। पूर्ण होगा तो रोजाना 11 से लेकर 1 बजे तक आवेदन लेंगे और छात्रों को त्वरित गति से 4 बजे तक समस्या होएगा। दूसरी बात यह है कि पार्ट 3 के या पार्ट 2 का या पार्ट 1 का जिन छात्रों का मार्कशीट उनके कॉलेज को भेज दिया गया है वो भी यहाँ आ जाते हैं, तो हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको कॉलेजों में नहीं दिया जा रहा है। तो एक अधिसूचना जारी कर करके तमाम जो हमारा अंगीभूत इकाई है, संबद्ध है, सभी प्रधानाचार्यों को एक निर्देश दिया गया है कि आप उनको बरगलाए नहीं, आप उनको यहाँ भेजते हैं जबकि उनका मार्कशीट वहाँ से भेजा जा चुका है, और यहाँ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मूल चला गया है तो उनको यहाँ पैसा भी लगता है, फिर से रसीद कराना पड़ता है, तो छात्रों की समस्या और बढ़ जाती है। आए दिन छात्रों को अपनी परेशानी से लेकर के विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यूजी और पीजी के छात्रों को खासकर यहाँ कोई भी परेशानी अब झेलनी नहीं पड़ेगी। 2 काउंटर बनाए गए हैं जिसमें उप परीक्षा नियंत्रक को बैठने का निर्देश दिया गया है, जहाँ पे छात्र छात्राओं के द्वारा जो समस्याओं का आवेदन दिया जाएगा बस उसके 24 घंटे के अंतराल में ही उसका समाधान निश्चित करना होगा। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।